सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक वीडियो क्रिएट किया है मैंने, जिसमें एक व्लॉग बनाने का मैंने कोशिश की थी। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बना के रखा था मैंने, ये मतलब इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड की है। एक कैजुअल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाने की कोशिश की है। और मैं पहले तो सबसे पहले आप लोगों के से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बड़ा अलग अलग टाइप का बन गया। इसमें आप देखोगे कि अभी मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, घर बैठ के व्लॉग कर रहा हूँ, और बाद में गाड़ी में मैंने अलग टी शर्ट पहनी हुई है और उस टाइप का व्लॉग कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने काफ़ी अच्छा एक वीडियो शूट किया था ये, वैसे मतलब पूरा अच्छे से प्लान करके सब अच्छे से शूट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारी क्लिप्स में ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वो कहीं रिकॉर्ड करते हुए वो जो माइक्रोफोन था वो सेटिंग्स करने में ऑफ हो गया गलती से मेरे से। तो इस वजह से आप देखोगे कि जो वीडियो का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो मैं ऐसे कर रहा हूँ बोल रहा हूँ, और एंड का पार्ट भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, और जो बीच का पार्ट जो ढंग से शूट हो गया है तो वो मैंने वीडियो में डाल दिया। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि हाँ, ये थोड़ा सा कैमरा DSLR से शूट नहीं किया, मोबाइल से शूट किया, थोड़ी सी क्वालिटी ऊपर नीचे, बट जस्ट बेयर विद मी, ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है। आगे से जब भी मैं वीडियो बनाया करूँगा तो मैं ढंग से ही इसको शूट करूँगा और प्रॉपर प्लानिंग के साथ चेक करके ही शूट किया करूँगा। तो बस ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है, तो मैं इसके बाद दोबारा रिपीट नहीं करूँगा ये चीज़। आप देखो वीडियो में से आगे, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो वीडियो का टाइटल है वो बिल्कुल सही है, और इसमें नई जो स्कॉर्पियो आ रही है 2021 की, टॉप एंड वेरिएंट है ये वाला S11, तो इसकी बेसिकली हम एवरेज वगैरह का टेस्ट कर रहे थे। तो हमने थोड़ा सा फ्यूल डला के, जो अपने क्लिप्स वगैरह आप सारी देख लोगे, हमने फ्यूल थोड़ा बहुत डला के इसकी फ्यूल की इकोनॉमी निकाली थी, और प्रॉपरली हमने चेक किया था कि कितनी गाड़ी एवरेज देती है, क्या पूरा इसका सिस्टम है। तो पहले पूरा वीडियो देखो, और कॉलेज का रास्ता दिखा रहा हूँ मैं, कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, थोड़ी सी ट्रीट मिली थी छोटी सी, तो वो ज़रा आप देख लीजिए, और फिर उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो अभी आपने देखा कि वहाँ से अपन आ रहे हैं, अब आपने देखा कि मैंने दिखाया, मैंने कट ले लिया आपके अंदर से। देखो गांव का रास्ता आप देखो कैसा है, मतलब ऐसे सुनसान से रास्ते से क्यों जा रहे हैं। इसका जो रीज़न है वो ये है कि सर और मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, जो जयपुर में, तो यहाँ पर जाते हुए आता है एक टोल। अब सर ने लिए गाड़ी भी नहीं, फास्टैग सर को मिला नहीं अभी तक, तो हमें लगा टोल बचाने के लिए, हम कॉलेज टाइम में भी यहीं से आया करते थे, तो ये एक रास्ता जाता है गाँव के अंदर से, पूरा ऐसा सुनसान रास्ता, एकदम सुनसान ही है पूरा, पर इसमें क्या हम टोल बचा लेते हैं यहाँ से, तो टोल का आपको देना नहीं पड़ता और पीछे पीछे आप मणिपाल पहुँच जाते हैं। वो तो आप आगे देख ही लोगे कैसे आता है, कहाँ से आता है। तो ये बाकी एवरेज का तो अभी चल ही रहा है टेस्टिंग पूरी, तो बाकी मैं आपको दोनों का बता दूंगा जब ख़त्म करने लगूंगा, तो बताऊँगा कि कौन से मैं कितना आ रहा है। उसने अब जैसा कि आपने देखा अभी, तो आए हैं कॉलेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी आए हैं, हमारा कॉलेज जो है यहाँ पीछे, अभी दिखाऊंगा कॉलेज का। और ये गाड़ी ली है तो उसने 2021 की नई स्कॉर्पियो S11, और बढ़िया रही है। तो उसने ट्रीट दी है छोटी सी, एक जूस की ट्रीट और एक राइड की ट्रीट। तो मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम से नहीं था मैं यूट्यूब पर एक्टिव ही नहीं था, काफ़ी टाइम हो गया बिल्कुल वीडियो नहीं आई, लोगों ने बहुत बोला कि गायब कहाँ हो गए, छोड़ दिया क्या, या वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे, ये वीडियो बनाओ वो वीडियो बनाओ। अब चक्कर ये हो गया था कि कई तरीके के एग्ज़ाम आ गए थे, तो उस चक्कर में थोड़ा सा फोकस डाइवर्ट करना पड़ा कि यूट्यूब छोड़ के थोड़ा इन सब चीज़ों में ध्यान दूँ। तो बस अब कोशिश कर रहा हूँ कि अब रेगुलर बनाऊँगा, अब जैसे आज ये छोटा सा बनाया, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कई चीज़ों पर, ये एक तरीके का वीडियो बना कर देख रहा हूँ, बताना आप लोगों को कैसा लगा, और अगर कोई चेंज है तो वो तो आप हमेशा बताते ही हो और ज़रूर बताना भी आगे, पर अभी के लिए तो यही है। चेयर्स जूस के लिए, और थैंक यू दोस्त मेरे ये छोटी सी एक ट्रीट के लिए। बट हाँ, काफ़ी अच्छा है यहाँ, सुनसान सा शांत रहता है, इस चक्कर में यहाँ आ जाते हैं, देखो आप कैसे खाली रहता है। ये कॉलेज की ये वाली जो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली जो साइड ही पूरा हॉस्टल है कॉलेज का, ये एक सड़क डाइवर्ट करती है, और ये हमारा मेन कैंपस है। मेन कैंपस मैं आपको पहले भी एक वीडियो में दिखा चुका हूँ, जब हम सांबर ले गए थे तब भी दिखाया था, जब ये पूरा कैंपस है, इस साइड पूरा हॉस्टल है।
यहाँ पार्किंग होती है पूरी, अभी तो खाली पड़ा है। सो आपने देखा लास्ट जो कट था उसके बाद भी मैंने शूट किया था, जिसमें मैंने एक गाड़ी पे कैमरा रखे काफ़ी अच्छे से, मैं और प्रदीप ने दोनों ने वीडियो को एंड किया था, बट वो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं अकेला ही कर रहा हूँ यहाँ पर वीडियो को एंड। तो आपने देखा पूरी गाड़ी हमने चलाई, अराउंड 60 किलोमीटर हम घूम के आए थे, 50-60 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर्स, और उसके बीच की जो हमारी एवरेज निकली वो 16.7, मतलब आप 16.5, 16 से तो ऊपर मान ही लीजिए आप एवरेज हाईवे पे आराम से निकाल देगी। और जबकि यहाँ पे मिक्स कंडीशंस थे कि हाईवे भी था और लास्ट में वो बीच में पूरा गांव वगैरह के रास्ते से भी हम गए थे। तो टू कंक्लूड, अगर मैं बोलूँ तो स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी 2.2 लीटर का इसमें डीजल इंजन आता है, अब BS6 कंप्लाइंट भी हो गया, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, मैंने चलाई गाड़ी, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और उसके बाद अगर देखा जाए तो काफ़ी एक अच्छा, एक काफ़ी डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी का जो फिगर निकल के आया वो है, और ये गाड़ी बिल्कुल कंसिडर की जा सकती है, मतलब इस साइज़ की गाड़ी और इस कैपेसिटी का इंजन के हिसाब से तो काफ़ी डिसेंट एवरेज निकाल के दे रही है ये गाड़ी। तो वापस से बोलूँगा, माफ़ी चाहता हूँ कि इस तरीके का उल्टा सीधा सा वीडियो बनाया थोड़ा सा, मैं समझ रहा हूँ कभी एक क्वालिटी ठीक है, कभी नहीं है, कभी ऑडियो आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, ये जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे से एकदम ढंग से बनाने की कोशिश किया करूँगा, वीडियोस को प्रॉपरली एडिट करूँगा, प्रॉपरली सब करूँगा। तो आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा सा भी डिसेंट लगा, वीडियो देखने लायक लगा, अगर आपको लगा तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मैं आपके साथ मिलूँगा ऐसी ही और वीडियोज़ में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। बाय।